हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं गीतांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल गुड कर्मा 1111 में। गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आपके दुश्मन क्यों बन जाते हैं और आपको परेशान क्यों करते हैं। ओके, क्या वजह रहती है जो लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं, आपसे दुश्मनी कर लेते हैं और वो आपको फिर सताते क्यों हैं, परेशान क्यों करते हैं आपको। टाइमलेस रीडिंग है तो जब मिलेगी तब रेजोनेट करेगी। साथ ही जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है तो आप लड़के हैं लड़की हैं दोनों के साथ रेजोनेट करेगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है सो प्लीज़ ओपन माइंड होके देखिएगा, जितना रेजोनेट करता है उतना ही रखिए, बाकी का छोड़ दीजिए। ओके, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी पे, जो कि मैंने अबाउट सेक्शन में लिंक कर दी है। बॉटम ऑफ डेक आया है फ्रेंडलीनेस, मैं जल्दी से कार्ड्स को अरेंज कर लेती हूँ। आई होप गाइस कार्ड विजिबल होंगे आप सभी को। तो लोग आपके दुश्मन क्यों बन जाते हैं, दुश्मनी क्यों कर लेते हैं और आपको परेशान क्यों करते हैं। गाइस, उसकी वजह ये है कि आपका उस भीड़ से अलग होना, जब आप एक ऐसे इंसान होना जो और लोगों की भेड़ चाल में नहीं चल रहा, जो अपने आप को अलग ही समझता है औरों से और अपनी एक अलग ही दुनिया में रहता है, अपना एक अलग ही नज़रिया होता है, अपना एक अलग ही रास्ता होता है, तो उस इंसान को ना आगे बढ़ते देख हर किसी को जलन होती है। हर कोई व्यक्ति उस इंसान से जलता है, चिढ़ता है। और कुछ यही वजह ना आपके साथ रही है या है आपके साथ कि आप ना लोगों की कहे पे चलने वाले व्यक्ति नहीं हैं। आप अपना रास्ता बनाकर चलते हैं, आप अपनी मंजिल खुद तैयार करते हैं, खुद तय करते हैं, और वही चीज़ ना उनको चुभ जाती है, वही चीज़ उन्हें जलाती है, वही चीज़ उन्हें ना बहुत ज़्यादा चुभती है, जिसकी वजह से ना वो आपके दुश्मन बन जाते हैं और आपको सताने के लिए ना वो पीठ पीछे पॉलिटिक्स खेलते हैं आपके साथ, आपके लिए जहर उगलते हैं, आपके लिए ऐसे खड्डे खोदते हैं जिसमें आप गिर जाएं। आप कहीं ना वो आपकी इमेज भी खराब करने में लगे हुए हैं, वो भी आपके अपने बन के। तो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं अभी भी आपके आसपास हैं जो आपके मुंह पर तो बहुत मीठे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन पीठ पीछे से ना, क्योंकि उन्हें आपसे दुश्मनी है, वो कहीं ना कहीं आपको बदनाम करने में लगे हुए हैं, आपको सताना है, उन्हें परेशान करना है, तो इसलिए ना वो आपके मुँह पर मीठे बने रहते हैं लेकिन पीठ पीछे से ना जहर उगलते हैं आपके लिए, और आपको वो चीज़ समझ नहीं आती है और इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा गिल्टी रहते हैं, एन्जाइटी फील होती है, आप डिप्रेस होते हो, आप ये सोचते हो कि भाई मैंने तो किसी के साथ कुछ गलत किया ही नहीं है, मैंने तो किसी के लिए कुछ बुरा बोला ही नहीं है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आपके अपने बन के दिखा रहे हैं आपके फ्रेंड्स में या नेबर्स में या मैं कहूँ आपके आस पास जो काम करने वाले लोग हैं, ये बन के आपके सामने अच्छा दिखा रहे हैं लेकिन असल में ना ये लोग आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं और आपको सताने के लिए ना ये इनडायरेक्ट वे में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते रहते हैं, ऐसी साजिश करते रहते हैं कि आप दुखी हो, आप परेशान हो और आप भी इन्हीं की तरह वो भेड़ चाल चलें, आप भी ना वो एक ने किया दूसरे ने सुना वही चीज़ पे चलें, फिर दूसरा करना शुरू कर दे वही चीज़, ये वही चाहते हैं। एक क्वालिटी है ना कि आप बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक हैं, वो चीज़ आप खो दें, आप वो चीज़ खो दें, आप ना इन्हीं की तरह हो जाए। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये लोग ना वो हैं जो दोगले हैं, जो डबल फेस लेके घूमते हैं और ये आपको परेशान करना चाहते हैं, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, जिसके आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं, कहीं ना कहीं ऐसे रिश्ते भी ये ख़राब करने में लगे हैं
या ऐसे रिश्ते जो आपके अच्छे हैं, जिनमें आपकी दोस्ती बहुत अच्छी है, या किसी इंसान के साथ आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, तो ये उन्हें भी ना भड़काने में लगे रहते हैं। ये चाहते हैं ना कि ये आपको नाच नचाएं, ये अपने इशारों पे ना आपको नाच नचाना चाहते हैं। एंड इसलिए ना ये सब चीज़ें करते रहते हैं आपको सताने के लिए। ना ये कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स खेलते रहते हैं, जहर उगलते रहते हैं। इवन नेगेटिव स्पेल भी मुझे दिख रहा है कि कुछ नेगेटिव स्पेल करवाए जा रहे हो, वो चीज़ भी है जिससे आप इनकी बात सुने, आप इनकी बात माने। और इस पे मैं नेक्स्ट रीडिंग ज़रूर करूँगी, क्योंकि अगेन फिर से ब्लैक मैजिक वगैरह, नेगेटिव स्पेल वगैरह का बहुत कुछ आने लगा है। तो जो नेक्स्ट रीडिंग रहेगी वो फिर इसी पर मैं करना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ क्योंकि ये ब्लैक मैजिक क्यों कर रहे हैं। बाकी हम यहाँ से भी क्लियर कर ही लेते हैं कि ये लोग ब्लैक मैजिक क्यों कर रहे हैं आप पे। ओके, यहीं से हम देख लेते हैं क्या वजह है ब्लैक मैजिक की भी, क्यों कर रहे हैं, क्या चीज़ बिगाड़ना चाह रहे हैं। पॉलिटिक्स तो खेल रहे हैं एक तरीके से ना, यहीं से मैं अगर बताना चाहूँ कुछ तो, ये एक तरीके से आपका दिमाग बांध रहे हैं। ये एक तरीके से ना आपको एक ऐसा व्यक्ति बना देना चाह रहे हैं जो बिल्कुल ब्लैंक है, जिससे जो काम करवाना चाहो, जैसे नचाना चाहो नचा सको। तो इनकी ना ये तरीके हैं आपको परेशान करने के, आपके दुश्मनों की ना ये साजिश है कि आप पे ब्लैक मैजिक कराया जाएगा, तो आप इजीली ना इनकी बातों को मानेंगे, इजीली ना इनकी बातों पे बिलीव करेंगे, और आपका खुद का दिमाग को ना ये बांधना चाह रहे हैं। और ये चाह रहे हैं ना कि आप इनके इशारों पे नाचें, ये जो कर रहे हैं ना, जिस तरीके से आपको नचाना चाहे आप नाचें। आपको समझ भी आएगा कि हाँ मुझ पे कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक वगैरह हो रहा है, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, आप इस तरीके के नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपके एक तरीके से हाथ बंधे हुए होंगे। या ये मुझे लग रहा है कि ब्लैक मैजिक का ना कुछ ये इस तरीके से कर रहे हैं ताकि आपका दिमाग बंद हो जाए, बिल्कुल आपकी सोचने समझने की जो क्षमता है ना वो ख़त्म करना चाह रहे हैं ये आपके दुश्मन। अगेन यहाँ पे सांप आए हैं, यस कुल ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। आपकी अबंडेंस, जो आपकी अबंडेंट लाइफ है ना, उसको ये ख़राब करना चाहते हैं ये आपके दुश्मन। और नेक्स्ट रीडिंग हम ज़रूर करेंगे डिटेल में, ब्लैक मैजिक क्यों और किस तरीके से किया जा रहा है, क्या क्या वजह है, उस पर भी हम करेंगे। लेकिन जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो मैं बता देती हूँ, यहाँ पे मुझे साफ दिख रहा है या तो ये मून साइकिल जो होते हैं ना उसमें अमावस्या की रात पे या ऐसी टाइम पे ना ये कर रहे हैं, या फुल मून पे भी कुछ ऐसा कर रहे हो, क्योंकि उस टाइम भी एनर्जीज हाई रहती हैं, तो मे बी शायद उस वक्त ये कुछ ऐसा कर रहे हों, वो चीज़ मुझे लग रही है। एंड इवन आपके दुश्मन आपको परेशान करने के लिए ना ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई है जो मैरिड है और काफ़ी टाइम से वो कंसीव करना चाह रहा है, लेकिन वो कंसीव इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि ये एक तरीके से जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो। या मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि आप कंसीव कर सकते हो, कुछ ऐसे इंटरनली आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह जो चल रहा है ना, आपको परेशान करना है किसी भी तरीके से, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं और नेगेटिव फोर्स पूरी लगा दी है आपके पीछे। लेकिन क्योंकि आप जो हैं वो काफ़ी ब्लेस्ड हैं, आपके ऊपर यूनिवर्स का हाथ है, डिवाइन का हाथ है, तो हमेशा ना आप खड़े हो जाते हैं, जैसे ही कुछ ऐसा होता है ना आप खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये ना इसलिए ही शायद कुछ ट्राई कर रहे हैं, मतलब कुछ लोगों पे ये इस चीज़ का बहुत कम असर हो रहा है, कुछ लोगों पे ना बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा जिन पे असर हो रहा है ना ये ब्लैक मैजिक का, उनको कुछ स्पेशली मुझे लग रहा है कि प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही है, मैरिड जो वुमेन्स हैं उनसे ही रिलेट करेगी कि प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रहा है। और बाकी कुछ लोगों के लिए तो मुझे यही लग रहा है कि ये जो कर रहे हैं उसका बहुत कम ही इफ़ेक्ट पड़ रहा है, लेकिन पड़ रहा है आप पे। तो ये है कि आप अपने डिवाइन एंजल यूनिवर्स में बिलीव रखते हैं तो आप उसी हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन वही है ना कि नेगेटिव फोर्स है, थोड़ा बहुत तो असर आता ही है, क्योंकि नेगेटिव फोर्स जो है वो बहुत स्पीड तरीके से काम करती है और वो बहुत जल्दी, ऐसे नेगेटिव जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत जल्दी पड़ते हैं। तो उसके लिए यही है कि आप जो भी बीज मंत्र हो उसको चैंट करते रहो, जैसे काली माँ का है क्रिंग,
ओके मैं क्रीम नहीं बोल रही हूँ, मैं क्रीम बोल रही हूँ, तो उस चीज़ को ध्यान रखना। आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी इसकी। तो काली माँ का बीज मंत्र है क्रीम क्रीम, तो उसको आप चैंट कर सकते हो जितना हो सके। ओके और वो यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा, तो उससे आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है। और आपके दुश्मन आपको परेशान करने का यही तरीके ढूंढ रहे हैं कि आपके लिए ना गड्ढे खोदे जा रहे हैं, आपके लिए नेगेटिव स्पेल किए जा रहे हैं, आपके लिए झूठी बातें झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। और कहीं ना आप जिस तरीके से आगे ग्रो कर रहे हो, जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो ना, उस चीज़ को वो रोकना चाहते हैं। और अपने इशारों पे वो चाहते हैं कि आप नाचते रहो, मतलब हमेशा ना आप उनकी ही बात मानो। वो जिस तरीके से आपको नाच नचाना चाहते हैं, आप वही चीज़ें करो, वही तरीके से आप चलो। तो वो ही चीज़ों की वजह से ना आपके दुश्मन ये सब चीज़ें कर रहे हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी जो अबंडेंट लाइफ है ना, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। आपकी अबंडेंट लाइफ में ना परेशानी खड़ी करना चाहते हैं ये, ऐसा भी मुझे लग रहा है। और इसमें ना काफ़ी नेगेटिव फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ब्लैक मैजिक स्पेल नेगेटिव ये सब चीज़ें ज़्यादा की जा रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और दुश्मन इसलिए ही बन जाते हैं क्योंकि आप ना इनकी तरह नहीं चल रहे, आप झूठ का सहारा नहीं लेते, आप नेगेटिव फोर्स का सहारा नहीं लेते, आप सच की राह पर चलते हैं। और आप औरों से अलग हैं और आपको यही फील होता है कि भाई मेरी जर्नी अलग है, मुझे अपने रास्ते चलना है, मुझे अपनी मंजिल तय करनी है। तो आप इनकी तरह भेड़ चाल नहीं चलते, इसी वजह से ना ये आपसे नफरत करते हैं। लेकिन डिवाइन टाइम पर जजमेंट आपके साथ हो गई, कहीं ना ये आपको बांधना चाह रहे हैं, जो मैंने बोला ना दिमाग बांधना, ये आपको स्ट्रक करना चाह रहे हैं, ये आपको स्ट्रक करना चाह रहे हैं। जिस तरीके से अभी आप फ्री होके घूम रहे हो ना, जिस तरीके से आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, वो चीज़ इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है और ये ना आपको स्ट्रक करना चाह रहे हैं, बिल्कुल ही ब्लॉक कर देना चाह रहे हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। साथ ही जो आपकी क्रिएटिविटी है उसको वो छीनना चाह रहे हैं। और शायद यही है कि आपके अंदर एक यूनिकनेस है काम को करने की, आगे बढ़ने की, तो उस चीज़ को ना ये ख़राब करना चाह रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये आपकी सक्सेस से बहुत ज़्यादा जलते हैं, बहुत ही ज़्यादा सक्सेस से जलते हैं, क्योंकि अभी रिसेंट में ही आपको ना सक्सेस मिलना शुरू हुई हो या कुछ ऐसा हुआ हो आपके साथ, ये चीज़ मुझे लग रही है। या तो कोई नया व्हीकल ख़रीदा है, नया घर लिया है, नया बिजनेस शुरू किया है, नई जॉब में गए हो, तो ये कुछ ना वो ब्लैक मैजिक और वो सब करके ना आपको परेशान करना चाहते हैं, आपकी बदनामी कर रहे हैं ये। और आपके साथ जजमेंट ज़रूर होगा, डोंट वरी, डिवाइन टाइम पर आपके साथ जजमेंट होगा, यूनिवर्स डिवाइन सब देख रहे हैं। तो एक जो टाइम है उस पर आपके साथ जजमेंट ज़रूर होगा, जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है इनको इनकी सज़ा मिलेगी। लेकिन हाँ, आपको अगर बचना है तो काली माँ का जो बीज मंत्र की मैंने बात की है, आप प्लीज़ उसको कीजिए। एंड यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे अगर आपको समझ नहीं आया है, ठीक है। और मैं भी जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ताकि आपको कोई भी मिस्टेक ना हो, ओके। उसकी स्पेलिंग जो है ना वो मैं डाल दूंगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आप उसको कीजिए रोज़ डेली, एक माला पांच माला जितनी आप कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत ही छोटा मंत्र है, इजीली कर लोगे, बट करने का एक तरीका होता है, जितना स्लो रहेगा ना उतना ही अच्छा रहता है। ये नहीं कि एक स्पीड में ही चैंट करते जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है। कोई भी मंत्र को टाइम लेके बोला जाता है ना एक स्लो वे में, और वो और ज़्यादा इफ़ेक्ट देता है, ओके। तो वो आप कीजिएगा, आपको रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही आप ब्लैक टर्मलिन भी पहन सकते हो, सुलेमानी हकीक भी पहन सकते हो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, टाइगर आई जो है वो भी बहुत अच्छा है, वो भी पहन सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ क्रिस्टल्स भी हैं जिन्हें आप रख सकते हो अपने पास, या उनके ब्रेसलेट आप पहन सकते हो, क्रिस्टल ब्रेसलेट, वो भी बहुत अच्छे हैं, उनसे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। और यहाँ से मुझे क्रिस्टल यहाँ दिखाना, तो उससे मुझे लगा एकदम से कि मुझे बोलना चाहिए, ओके। सो यही मुझे दिख रहा है। अगर मैं आपकी बर्थ डेट की बात करूँ, 9/18/27 हो सकती है, 13/13/31, 14
सात, सोलह, पच्चीस, यहाँ पे बीस हो सकती है, आठ, सत्रह, छब्बीस, बारह। एंजल नंबर आजकल आपको 777 बहुत ज़्यादा ही दिख रहा होगा, स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है 7, तो आजकल आपको बहुत ज़्यादा ही दिख रहा होगा। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी के ही रास्ते पर चलो, यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, अपने गॉड पर बिलीव करो, ओके। एंड वो आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे, जिस भी तरह से ये आपको परेशान कर रहे हैं। 5, 14, 23 हो सकती है, यही मुझे बर्थ डेट दिख रही है। अगर मैं बर्थ मंथ की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है मई, जुलाई, अप्रैल, अगस्त, अक्टूबर, सितंबर, यही मुझे बर्थ मंथ दिख रहे हैं। जो बर्थ मंथ और बर्थ डेट मैंने बताई है, अगर रेजोनेट नहीं करती, स्टिल रीडिंग रेजोनेट करेगी। जोडिएक साइन की बात की जाए तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन और अर्थ साइन। तो जोडिएक साइन ये सारे ही मौजूद हैं, स्पेसिफिक जोडिएक साइन नहीं बताऊँगी। या गाइज, आई होप रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मुझे ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।